Hello students, in last session we have studied about force and its types. In this session we will study about pressure. What is pressure? What is the unit of pressure? Do fluids exert pressure? And much more. So let's start pressure. What is pressure? The force that is exerted on a unit surface area is known as pressure. The force jo ki unit surface area. Unit surface area means मीटर पर स्क्वायर, ये स्क्वायर पर मीटर पर वह फोर्स जो कि एग्जर्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं. इफ एफ इज द फोर्स अप्लाइड एंड ए इज द सरफेस एरिया देन द प्रेशर पी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए. सो द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज पी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए. नाउ यूनिट ऑफ प्रेशर, वी मेजर फोर्स इन न्यूटन एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर. यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. पास्कल इज यूज इन ऑनर ऑफ फ्रेंच फिजिस्ट ब्लेस पास्कल. द लेसर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द मोर इज द प्रेशर एंड वाइस वर्सा. द मोर द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द गिवन बॉडी द लेसर प्रेशर इट विल एक्सर्ट. The more the force acting on a body, the more the pressure it will exert. It means जितना ज़्यादा area होगा pressure उतना कम होगा. Force जितना force लगेगा उतना ही pressure लगेगा और जितना कम area होगा pressure उतना ज़्यादा हो जाएगा. It means area अगर बढ़ेगा तो pressure घट जाएगा और area अगर कम होगा तो pressure बढ़ जाएगा, क्योंकि जो area होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स लाइक अ कैमल वॉक इजिली इन डेजर्ट एज कम्पेयर टू हॉर्स और डंकीज बिकॉज दे हैव ब्रॉड फिट. ब्रॉड फिट मीन्स एरिया ज्यादा है और एरिया ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, सॉरी प्रेशर कम हो जाएगा. प्रेशर कम हो जाएगा इट मीन्स वो इजिली डेजर्ट एरिया में वॉक कर सकेंगे. इसलिए जो कैमल्स होते हैं वो उनका ब्रॉड फिट होने के कारण वो इजिली डेजर्ट एरिया में वॉक कर सकते हैं. हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स फिटेड विद एट और मोर व्हील्स सो दैट द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड इज इंक्रीज्ड एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड. ट्रक्स होते हैं उनमें एट और या फिर उससे ज्यादा व्हीकल्स व्हील्स, ऐसे व्हीकल्स में जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें एट और उससे ज्यादा व्हील्स लगे हुए होते हैं. क्यों? क्योंकि इससे उनका ग्राउंड के साथ जो कॉन्टेक्ट होता है उसका एरिया बढ़ जाता है, एरिया इंक्रीज हो जाता है और एरिया इंक्रीज होने पर जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. इसलिए वो इजिली वहां पर मूव कर सकते हैं. पोर्टर्स हु कैरी हैवी लोड्स ऑन देयर हेड्स वियर टर्बन्स, मोस्टली दे वियर टर्बन्स, दिस इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, से भी उनके कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है एंड द प्रेशर इज रिड्यूस और प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है. फ्लूड्स टूगेदर लिक्विड एंड गैसेज आर नोन एज फ्लूड्स. फ्लूड ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर. वी नो दैट लिक्विड एंड गैसेज डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. They take the shape of the containing vessels. Liquid fluids also exert pressure equally in all direction. If depth is increased, so the pressure of the fluids is also increased. However, does not depend on the shape of the object. ये किसी shape पर depend नहीं करता है. Equally सब direction में equally exert होता है और same depth पर जो pressure लगता है वो same होता है. Look, if we take a bucket and drill some holes like this, so the pressure at the bottom of the bucket is higher and at this point the pressure is equal because at the same depth the pressure is equal and at the bottom of the bucket as pressure is higher. Now manometer is an instrument that is used to measure the pressure of liquid is known as manometer. Now atmospheric pressure, the pressure that is exerted by air or atmosphere is known as atmospheric pressure. At sea level it is near about 100 kilo pascal. Sea level पर ये कितना होता है, 100 kilo pascal होता है. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इसका जो magnitude होता है वो कम होता चला जाता है.
एयर ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन आर बॉडी नियर अबाउट 20 मीट्रिक टन्स. 20 मीट्रिक टन्स तक एयर हमारी बॉडी पर एयर एग्जर्ट करती है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन से. बट वी डोंट फील इट, लेकिन हम इसको फिर भी फील नहीं करते हैं. वाई? बिकॉज आर बॉडी ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर. देयर इज अ ब्लड इन साइड आर बॉडी दैट ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर. नाउ बैरोमीटर. बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर. मैनोमीटर इज यूज टू लिक्विड मेजर लिक्विड प्रेशर एंड बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर. नाउ कंसिक्वेंसेज ऑफ एयर प्रेशर. एयर प्रेशर के क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं, किस लिए हम इसको यूज करते हैं? एट हायर एल्टीट्यूड सम पीपल फॉल सिक. जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जैसे माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं तो कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, उनकी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है. ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता रहता है. एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा और हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे जो नोज़ की वेजल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती हैं और नोज़ ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है. इस प्रेशर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? व्हेन वी शक वाटर विद अ स्ट्रो, अ लिक्विड मूव्स इनटू अ सिरिंज, व्हेन प्लंजर इज विड्रॉन, कॉमन वाटर हैंड पंप, रोज वाटर, बिकॉज एयर एग्जर्ट ह्यूज प्रेशर. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. देर आर सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. आई विल टीच यू इन नेक्स्ट सेशन. ओके, I'll meet you in next session. Okay, bye.